स्वागत है सभी का फिर से अपने ब्लॉग में। आज दिन रविवार है और चलो चलते हैं। हेयर भी बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं तो चलो चलते हैं और हेयर कट करवाते हैं, दाढ़ी सेट करवाते हैं और उसके बाद में आते हैं और मिलते हैं बाकी लोगों से भी और देखते हैं। इस भाई काम कर उनको कॉल करते हैं, उनको बुलाते हैं, चलते हैं बड़ी अच्छी सी जगह और दाढ़ी वगैरह सेट करवा के आते हैं, बाल सेट करवा के आते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े दिख रहे हैं तो चलो चलते हैं। बाकी लोगों से तो बात ऐसे कि संडे है तो आज कोई भी प्लान नहीं, अभी समथिंग 11:15 बजने लगे लेकिन अभी तक हम लोग घर से नहीं निकले। आराम किया है और आराम किया है तो चलो चलते हैं और फिर दिखाते हैं, फिर मिलाते हैं आप से बाकी लोगों को। हाय हाय क्या नींद ले रहे हैं आयुष भाई अपने, ये लो इसलिए बुलाया है क्या, ये देख लो ये बैठे अलग भैया मैं इधर ही हूँ ना, बोलो पूजा पाठ रहती है। हेयर कट करके घर पहुंच चुके हैं, थोड़ा रेडी होते हैं और उसके बाद में देखते हैं कहीं ना कहीं घूमने का प्लान है, कहाँ जाना है कभी देखते कहीं प्लान नहीं, थोड़ा काम सी हो रही है पता नहीं क्यों तबियत थोड़ी गड़बड़ लग रही है तो चलो देखते हैं कहीं ना कहीं घूमने से नहीं जाएंगे। हम जाएंगे तो आपको जरूर लेकर जाएंगे और आपको भी घुमाएंगे। चलो चलते हैं फिर आशीष भाई आ गए हैं, इनकी आवाज़ बदल रही है तो इनको सैद दिया जा रहा है, ठीक है पता नहीं बोले दर्द हो रहा है गले में, बोले इसी से ठीक होगा, अपने पास देसी वाला रखा हुआ है ये देख लो। चलो इनको खिलाते हैं और इनकी आवाज़ को ठीक करवाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। खिलाड़ी इन्हीं के नींद में से उठ के ऐसे हो जाते हैं ना, समझ नहीं पा रहा है हम कि हुआ क्या है, क्यों है यही देखो मुंडी भी ऐसे हिसाब से ला रहा है कि पूछो मैं ये आओ अरे बाप रे फिर से सो गए भाई ये चलो चलते हैं फिर पवन भाई से मिलाते हैं क्यों चलो हेलो गाइस, आज पंडाल निकाल रहे हैं हम टेनिन उसके, आज शरद पूर्णिमा का दिन भी है तो आज खीर वीर बनाने का भी प्लान चल रहा है तो दूध वूध ला लिया डेयरी से और हमारे मन्नू भैया की बहुत मदद कर रहे हैं और समिति के सभी सदस्य खीर खाते समय आएंगे, अभी काम है तो अभी भग गए हैं। अंकित भैया यहाँ पर देख सकते हैं और योगेश भैया बड़े खतरों से खेल रहे हैं, बिजली की तार है अभी पकड़ते बच्चे नहीं तो यहाँ पर शहीद हो जाते। मन्नू भैया थोड़ा संभाल के हाँ भैया संभाल के थोड़ा, ये देख सकते हैं पंडाल बनाया था हमने टीन का और यहाँ पर ही भोले बाबा बैठा लेते हैं यहाँ पर हाँ तो अभी काम चल रहा है टीन निकालने का। चलो भैया निकालो फटाफट निकालो, हाँ डांस दिखा दो बगला डांस, वाओ जी बहुत बढ़िया। मन्नू भैया भिड़ गए अपने खीर के पीछे एकदम बड़ी सी लेके, देख लो इतने सारे लोग दादाजी लोग भी हैं इधर, बाकी लोग भी बैठे यार बच गया थोड़ा सा कार्यक्रम डाल देंगे ना तो ये अभी बाद में डालने का है। हाँ टेस्ट नहीं आ रहा है, टेस्ट यहाँ है मुझे
बाकी जनता एकदम बिल्कुल बढ़िया एकदम बैठी। 12 बज गए ना, खीर खिलाओ हमको। ये देख लो इधर सब बैठी है जनता। अरे 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 लड़ाई होगी। अरे 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 खीर खिलाओ। एंट्री भी करते जाओ। ये देख लो, ये चांद जमीन पे आ गया। तारा भी है यार साइड में, ये तारा है यहाँ पर, चांद यहाँ पर है, दिख नहीं रहा है बराबर। भैया 12 बजे का समय हो गया, सभी खीर की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इनको मिलेगा। अब खीर में अमृत टपक चुका है। पुराणों में मानता है कि खीर खा के अमर हो जाते हैं इंसान। तो यहाँ पर भानु भैया भी बैठे हैं जो कि नींद से उठकर आए हैं अभी और खीर खाने के लिए बहुत देर से बैठे हैं और उनको खीर खिलाई जाएगी। बड़े जल्दी जल्दी खीर बांटो। हाँ भैया, तुम खीर खा के अमर हो जाएंगे मतलब है ना। पुराणों में मान्यता है कि खीर खाएंगे अगर शरद पूर्णिमा के दिन तो अमर हो जाएंगे। तो अब समय हो गया, 12 बज गए और चंद्रमा भी आ गया, दिख नहीं रहा। खोज रहा हूँ मैं और खोज लिया मैंने, मिल गया चंद्रमा। हाँ भैया, अमृत आ गया है, अब खा लेंगे तो अमर हो जाएंगे सब। और ये सब शरद पूर्णिमा की खीर खाने के लिए बैठे हैं और ये हमारे जो पुजारी जी हैं अब ये भोग लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। और भानु पहले तैयार हो गया है हाथ धुल कर कि भैया पहले ही जो दोना रहेगी खीर की वो मेरे को ही मिलना चाहिए। और यहाँ पर दज्जी आए हैं, ये भी शरद पूर्णिमा की खीर खाने के लिए ही आए हैं और ये खाएंगे तो 100 साल और जियेंगे, इनका कहना है। हाँ भैया पूजा कर दो पूजा। खीर खाने से पहले भोग लगाया जाता है भगवान के लिए, पूजा की जाती है जो कि पुजारी जी हमारे कर रहे हैं। और यहाँ पर खीर निकाली जा रही दोनों पर। और ये देखो योगेश भैया जो कि YouTube चैनल के ऑनर है, अपने हाथों से सभी को खीर परोसेंगे। और सबसे पहला भोग भगवान को लगाया गया, उसके बाद भानु भगवान को लगाया जाएगा। हाँ भैया
अभी ये मारने मारने की बात कर रहा है भानु, मेरा छोटा भाई है भानु, ऐसा नहीं कहेंगे, छोटा भाई है मेरा। देखो खीर वितरण चालू हो गया, सभी अभी खीर का लाभ उठाएंगे शरद पूर्णिमा के अवसर पर। रबड़ी जैसे बनाई गई खीर खीर वीर खा लिया। अरे तुषार भाई को देख लो, ये खीर लेके पहले मैं खाऊंगा नहीं, घर लेके जाना था, बचा के घर में ले जाना। ऊपर से कोपरा केस डालिए, कोपरा केस डालना तो हमने ऊपर से डाल दिया है। ठीक है, तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।